आदाब नमस्कार, परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिले में गाड़ियां चोरियों का प्रमाण बढ़ता देखते हुए एसपी जयंत मीना के विशेष पदक के अलावा एलसीबी और तमाम थानों में जो कमान कसी गई है उसके तहत दो ही दिन पहले यहां के पाथरी तहसील शहर के भीतर चार चोरों को पकड़ा गया कई गाड़ियों के साथ। उसी का अभी मामला ठंडा ही नहीं हुआ, एलसीबी के पथक ने और एक नया भांडा फोड़ करते हुए एक रैकेट ऐसा पकड़ा है जिसके पास से 16 गाड़ियां बरामद की गई है। ये परभनी शहर के ही रहने वाले चोर, इनका रैकेट इतना बड़ा निकाला गया है कि इनके पास से आज के परेड में ही तुरंत 16 गाड़ियां जब्त किए गए हैं। ये गाड़ियां एक ही व्यक्ति ने कीमत में खरीदते हुए 11 गाड़ियां पालम के रहने वाले दो लोगों ने खरीदने पर उन लोगों को भी पुलिस ने अपने शिकंजे में कसा है। एक बात हम बताते चले कि चोरियां जो भी चोर है उन चोरों को हम ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई एसपी जयंत मीना इनकी जिला प्रशासन में जो चलाए जा रही पुलिस प्रशासन के अंदर जो पकड़, उस पकड़ के तहत अब ये चोरों की खैर नहीं रहेगी, ये हम आपको बताते चले। आप लालच के मारे कम कीमत में लेने वाले गाड़ियों के कागजात की छानबीन किया जाए और वो गाड़ियों के कागजात की छानबीन करके ही पुरानी गाड़ी खरीदे, ऐसा आह्वान पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोग कम कीमत में गाड़ियां मिल रहे हैं ये सोचकर उनके कागजात ना लेते हुए करीब का व्यक्ति समझकर उसे भरोसा करते हुए वो गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन वो गाड़ी चोरी के निकालने के बाद आपकी भी परेशानी होती है। इन परेशानियों से बचने के लिए आप नज़दीक का व्यक्ति रहो या फिर कितने भी करीबी रिश्तेदार रहो, उसके पास से गाड़ी खरीदते समय, पुरानी गाड़ी खरीदते समय भी आप उनके कागजों को देखो और कागजात देखने के बाद छानबीन करने के बाद ही उन गाड़ियों को खरीदे, ऐसी अपील की गई है। परभनी एलसीबी शाखा ने चोरी के गाड़ियों की चुराने वाले रैकेट को किया पर्दाफाश। एलसीबी को मिली गुप्त जानकारी पर एलसीबी ने दो पथक तैयार कर अपराधी शेख इरफान शेख जलील, उम्र 20 साल, रहने वाला परभनी के हड़को सरगम कॉलोनी से, उसी का साथीदार शेख जुनेद शेख रियाज, उम्र 19 साल, इन्हें परभनी से जाल बिछाकर कब्जे में लिया गया। इन्हें भरोसे में लेकर पूछताछ करने पर इन्होंने परभनी शहर के राजगोपालचारी गार्डन पूर्णा पुलिस स्टेशन के हद में ताड़कलस चुड़ावा पालम गंगाखेड़ हद से टू व्हीलर गाड़ियां चोरी कर उन्हें बिकाने का कबूल किया। उसी तरह से चुराए हुए टू व्हीलर गाड़ियां कम कीमत में परभनी में बिकाते हुए 5 टू व्हीलर गाड़ियां जब्त की गए हैं। चुराए हुए टू व्हीलर गाड़ियों में से 11 गाड़ियां पालम तहसील शहर के मरकज मस्जिद के करीब रहने वाले मोहम्मद ताहिर चाउस, उम्र 23 साल, और पालम के ही रहने वाले मिस्त्री काम करने वाला टेक गली का सैयद वली सैयद, उम्र 26 साल, इन्हें बिकाने की कबूली देने पर एक पथक पालम को रवाना करते हुए दोनों अपराधियों को हिरासत में लिया गया। ये दोनों अपराधियों को चोरी की गाड़ियां ये है मालूम होने के बावजूद कम कीमत में मिलने की लालच में खरीदी करते हुए इन अपराधियों के पास से 11 टू व्हीलर गाड़ियों को जब्त किया गया है। कुल 16 चोरी के टू व्हीलर गाड़ियां जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। इन चोरों के पास से और चोरी के टू व्हीलर गाड़ियां मिलने की शंका जताई जा रही है। एलसीबी ने टू व्हीलर चोरी करने वालों का यह रैकेट पर्दाफाश किया है। ये कार्रवाई एसपी जयंत मीना, एडिशनल एसपी मौका सुदर्शन, पर्यवेक्षाधीन डीवाईएसपी बापूराव दड़स, इनके मार्गदर्शन पर अपराध शाखा के प्रभारी अधिकारी एपीआई वेंकटेश्वर आलेवार, एपीआई गुलाब बच्चेवाड़, पीएसआई साईनाथ पुयड़, पुलिसकर्मी हनुमंत जक्केवाड़, मधुकर चट्टे, बालासाहेब तुपसुंदरे, अरुण पांचाल, अजहर शेख, हरिचंद्र खुपसे, दिलावर पठान, सैयद मोबिन, रंजित अगड़े, किशोरत चौहान, संतोष सानप, गुगेश, कृष्णा शिंदे, सभी एलसीबी शाखा परभनी, इनके साथ साइबर ब्रांच के गणेश कोटकर, बालाजी रेड्डी, रविंद्र भूमकर, रंजित अगड़े, संतोष युवारे पोतदार। इस समय पुलिस प्रशासन ने जनता से आह्वान किया है कि सेकेंड हैंड टू व्हीलर गाड़ियाँ खरीदी करते समय मोटरसाइकिल पुराने कागजात छानबीन करते हुए कारोबार करें, कम कीमत के लालच में बिना कागजात के टू व्हीलर गाड़ी खरीदी ना करें, ऐसा आह्वान किया गया है। मागील काही महिन्या मध्ये परभणी व परभणीच्या आसपासच्या परिसरामध्ये मोटरसायकलचं प्रमाण भरपूर मोटरसायकल चोरीचं प्रमाण भरपूर वाढलेलं होतं। त्या अनुषंगाने माननीय एसपी साहेब, ॲडिशनल एसपी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण मोटरसायकल चोरीस प्रतिबंध होण्याची एक मोहीम हाती घेतलेली होती। तर पहाटे आम्हाला एक इन्फॉर्मेशन मिळाली की काही दोन इसम जे आहेत ते चोरीच्या मोटरसायकल विक्री करण्याच्या तयारीत आहेत आणि त्यांनी परभणी व आसपासच्या परिसरामधून भरपूर मोटरसायकल चोरलेले आहेत। त्यावरून आम्ही आमचे एलसीबीचे दोन पथक तयार केले, दोन्ही आरोपींना परभणी शहरातून ताब्यात घेतलं। त्यांच्या इंट्रोगेशनमध्ये आम्हाला असं कळालं की त्यांनी पालममध्ये काही मोटरसायकल विकलेल्या आहेत। मग एक पथक आम्ही पालमला पाठवून तिथं दोन आरोपी आम्ही ताब्यात घेतले, त्यांच्या ताब्यातून आम्ही 11 आणि परभणी शहरातून 5 असे 16 मोटरसायकल आम्ही रिकवर केलेले आहेत। विशेष पथकाने यापूर्वी काल रोजी 32 मोटरसायकल रिकवर केलेले आहेत।
परभणी पोलीस दलातर्फे या 3 दिवसांमध्ये जवळपास 48 चोरीच्या मोटरसायकल रिकवर करण्यात यश मिळालेले आहे आम्हाला। यावरून आम्ही निश्चितच असं सांगू शकतो की फार मोठं रॅकेट ओपन झालेलं आहे। एसपी जयंत मीना, इनसे हमने मुलाकात करने पर उन्होंने ये बात बताई है कि परभणी जिले से अब गाड़ियां की चोरी करना बंद हो जाएगी। उन चोरों के दिलों में ये डर बच जाएगा कि जब गाड़ी के सामने खड़े रहेंगे तो उन्हें ये डर बच जाएगा कि यहां आतरा कोई ना कोई अपना पुलिस वाला या फिर सिविल ड्रेस में कोई पुलिस वाला हमारे आजू बाजू घूम रहा है और वो हमें शिकंजे में कस रहा है। इसी के साथ उन्होंने जिस गाड़ियों को अब यहाँ बरामद किया गया है उन गाड़ियों के लिए जिनके गाड़ियां हैं उनके बारे में एक आह्वान किया है एसपी जयंत मीना। इन्होंने हमारे चैनल के द्वारा कहा गया है कि उन जिनकी भी गाड़ियां हैं वो अपने कागजात बताकर अपने पुलिस थाने से वो गाड़ियों को ले जाया जाए ताकि वहाँ शोर शराबा ना करते हुए उन गाड़ियों के कागजात को बताते हुए थाने में जहाँ पर आपकी चोरी की गाड़ी की एफ आई आर दर्ज की गई है वो एफ आई आर भी उसकी कॉपी की उसके साथ लगाई जाए और आपकी गाड़ी सुरक्षित ले जा रहे हैं किस तरह से ले जा रहे हैं इसका जो है तो थाने अमलदार को इसकी पूरी तरह से जानकारी देते हुए कागजात देते हुए अपनी गाड़ी को लेके जाए, इस तरह का आह्वान उन्होंने किया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। रास्ता सुरक्षा हाईवे पुलिस अभियान के तहत परभणी गंगाखेड़ नाका उड़ान पुल के नीचे फोर व्हीलर गाड़ियों को विशेष सूचना देने के लिए यातायात हाईवे के PI नन्नी चंदापुरकर, इसी के साथ यातायात नियंत्रक PSI प्रकाश कुकड़े, इन्होंने यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करने की बात बताते हुए विशेष सूचनाएं दी। इस समय गाड़ी चालक अध्यक्ष रहमान खान पठान ये मौजूद थे। इस समय हाईवे पुलिस अधिकारी का सत्कार किया गया। सलमान खान पठान ने PI नन्नी चंदापुरकर का सत्कार किया तो PSI प्रकाश कुकड़े का सत्कार अनवर खान मामा भदरगे ने किया। इसी तरह हाईवे के पुलिस कर्मी अप्पा कछवे, संजय पुरी, शिंदे खोपरी, वाजिद इरशाद सैयद डी पारसे, इनका स्वागत नफीस खान, रऊफ मामू, अखिल खास, राजू आवड़े आदि ने करते हुए सभी गाड़ी ड्राइवरों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस समय PI नंदिनी, PSI प्रकाश कुकड़े, गाड़ी ड्राइवर अध्यक्ष रहमान खान पठान ने अपने विचार व्यक्त किए। रास्ता सुरक्षा अभियान में 100% प्रशासन को मदद करने का कहा गया। कार्यक्रम के अंत में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने गाड़ी ड्राइवरों का आभार माना। शाखा के API वेंकटेश आलेवार को मिली जानकारी पर परभणी के संजय गांधी नगर में किराए से रहने वाले शेख बबलू शेख हसन इसे कब्जे में लेते हुए तलाशी लेने पर इसके पास से देशी बनावटी पिस्टल बिना लाइसेंस और गैर कानूनी तौर पर रखते हुए 2 कारतूस प्राप्त हुए। बंदूक के साथ 2 कारतूस ऐसा 41,000 रुपए की सामग्री जब्त की है। ये कार्रवाई SP जयंत मीना इनके मार्गदर्शन पर आलेवार इन्होंने PSI साईनाथ पुअर, पुलिसकर्मी हनुमंत जक्केवाड़, मधुकर चट्टे, भरत सप्तु समुद्रे, हरिचंद्र खुबसे, अशेक अजहर, मोबिन शेख चौहान, गणेश कौटेकर, संजय घुगे, कृष्णा शिंदे आदि के पदक ने किए। परभणी शहर महानगर पालिका की ओर से शुक्रवार तारीख 22 जनवरी के रोज मनपा पथक शहर में व्यापारी स्वीट मार आदि होलसेल दुकानों पर रेड मारकर 75 किलो प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किया है। मनपा आयुक्त देवीदास पवार शहर के नागरिक और व्यापारियों फल सब्जी मांस फूल बिकाने वालों की मीटिंग लेकर कैरी बैग का इस्तेमाल ना करें ऐसी सूचना दी थी। इसके बावजूद कैरी बैग का इस्तेमाल ये दुकानदार करते हुए दिखाई देने पर जिसके तहत मनपा के पथक ने ये कार्रवाई की है। जिले के भोकर तहसील स्थित एक गांव में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ अत्याचार कर हत्या की गई। ये दिल दहलाने वाली दर्दनाक घटना को लेकर परभणी के विविध सेवाभावी संस्था मित्र मंडल ने मुख्यमंत्री को जिला अधिकारी द्वारा निवेदन देकर खूनी को फांसी की सजा देने की मांग की है। आज जो नांदेड़ जिला भोकरदन तालुके में एक छोटी बच्ची का बलात्कार करके उसकी हत्या की गई उस प्रकरण को लेकर हमने आज जिला अधिकारी मार्फत गृह मंत्री मुख्यमंत्री तक ये डेलीगेशन पहुँचाया है और ये पहली बार नहीं हुआ है, हर टाइम हो रहा है और हर टाइम हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी ऐसी सज़ा मिले कि अगला आने वाला अगला कोई गुनाह करने वाला ऐसा उसकी रूह कांप जाए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आज परभणी इथे जिल्हाधिकारी साहेबांना आम्ही साथी सेवाभावी संस्था परभणीतर्फे निवेदन दिलेलं आहे त्यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री साहेबांना की नांदेड जिल्ह्यामध्ये जे भोकर तालुका आहे तिथं एक छोटंसं गाव आहे, तिथे एक 5 वर्षाच्या चिमुकलीचा तिच्या समत एक दरिंदरी हरकत करून एका हरामखोरानं त्या मुलीला छोटीसारखी एक गुलाबाची फुलाची पांघळी असती त्या मुलीला तिचा गळा कापून तिची हत्या करून टाकली। बाबाचं प्रकरण बघा, तिथं एका डॉक्टरची ह्या प्रकरणामध्ये बलात्कारच्या नंतर हत्या केली गेली होती, तिथल्या सरकारनं
4 ते 5 दिवसामध्ये टाइम काय जास्ती नाही घेता त्या हरामखोर लोकांना गोळ्या टाकले अशी भी आमची महाराष्ट्र सरकारला ही विनंती आहे की ह्यांनी ह्या हरामखोराला ज्या नांदेड जिल्हा भोकर तालुक्यामधले ज्या गावामध्ये हे प्रकरण घडला त्या हरामखोराला न्यायालयाकडे फास्ट ट्रॅकवर चलून 21 दिवसाच्या आत हे प्रकरण चलून त्याला लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा द्यावी आणि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं अपनी बहू बेटियों की खुद ही हिफाजत करो सरकार चलाने वाले भी औलाद बैठे हैं। सक्षम 2021 संरक्षण क्षमता महोत्सव एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसकी पहल भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा संधारणीय विकास तथा अपने देश के पर्यावरण सुरक्षा के लिए की है। इसी भावना के साथ 16 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 के दौरान हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा नामक उद्देश्य के साथ पूरे देश में समक्ष संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 आयोजित किया गया है। इसके हिस्से के रूप में तेल उद्योग ने महाराष्ट्र में 16 जनवरी 2021 को सुबह 10:30 बजे महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी उपस्थिति में आभासी उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया। इन महीने के दौरान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां हैं स्कूल कॉलेजों पेट्रोल पंपों गैस एजेंसियों में ईंधन संरक्षण तकनीकी बैठकों कार्यशालाओं के माध्यम से ईंधन संरक्षण पर अभियान RWA में समूह वार्ता क्लब सोसाइटी एनजीओ ग्रुप आदि के लिए अभियान किफायती ईंधन ड्राइविंग प्रतियोगिता टीवी रेडियो पर टॉक शो आदि। सक्षम 2021 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में लगभग 24 प्रकार की 2000 संख्या में गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इसी के तहत आज तारीख 22 जनवरी शुक्रवार दोपहर 4 बजे MIDC स्थित फॉर्न होटल में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समय परभनी महानगर न्यूज को राहुल कुमार ने क्या बात बताई आइए सुनते हैं। आज हम यहां पर हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा सक्षम इस अभियान के तहत पत्रकार परिषद जो आयोजित की गई थी वो महोत्सव के बारे में यहाँ के अरुण के आए हुए मैनेजर उनसे हमें मालूम लेंगे कि भाई इस मामले में क्या क्या और किस तरीके से इसकी मालूम जानकारी हासिल करेंगे जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका की रहेगी। जी देखिए, भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस और PCRA द्वारा संगठित आयोजित एक कार्यक्रम किया जा रहा है सक्षम 2021, जिसके अंतर्गत एक महीने तक 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी जो कि हमारे रिटेल आउटलेट्स में की जाएंगी, कहीं कहीं गैस एजेंसीज में स्कूल कॉलेजेस में ये गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसके अंतर्गत हम लोगों के माध्यम से इन सब ग्रुप टॉक्स डिबेट्स के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है वो डिप्लीट हो रहे हैं कम होते जा रहे हैं तो हम उनका संरक्षण कैसे करें, उनके अंदर जागरूकता जलाई जाएगी। इसी संदर्भ में जागरूकता के संदर्भ में भी हम लोग 31 जनवरी को साइक्लोथॉन रेस आयोजित कर रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस साइकिल रेस में ज़रूर आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जागरूकता फैलाने में हमारा सहयोग करें। आपके परभनी ज़िले के अंदर कितने यानी कि एजेंसी है जो आपके पेट्रोलियम के हिसाब से कितने पेट्रोल पम्प यहाँ पर परभनी ज़िले में निकल सकते हैं, आपके जो महतियत जो चढ़ रहे हैं एजेंसी द्वारा, तो उसमें जो आज हमारे परवनी में अगर देखा जाए तो जैसा हमारे पास कहावत है जगह जर्मनी भारत परवनी, यहाँ पर पेट्रोल का सबसे बड़ा दाम है। आप लेकिन हिंदुस्तान में कितना बड़ा दाम देगा जितना दाम पेट्रोल का यहाँ पर फिलहाल में, तो इस हालत से देखा जाए तो आपकी जो एजेंसी यहाँ पर चलाई जाएगी तो ये पेट्रोलियम के और ग्राहकों के लिए क्या सुविधा और कितने क्या हिसाब से ऐसा कुछ सुविधा नहीं रहेगी पेट्रोल आपको पेट्रोल की सरकार में हर किसी को उसके लिए पेट्रोल पम्प हम लोग लगाते जा रहे हैं। हाँ ये है कि अभी चल रहा है कि हमारे यहाँ पर परभनी पेट्रोल रेट्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लगता है वो ज़्यादा हो जाता है इसी वजह से, तो उसी संक्षेप में अभी बातचीत चल रही है जो भी अगर उसका मसला जो भी हल हो सकता है तो वो आपको पता नहीं। इसमें GST का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जा रहा है कि क्या है? GST नहीं लगता है पेट्रोल बाजार में, GST नहीं लगता जी, जो गेट रेट फिक्स है वो ऑल महाराष्ट्र सेम है सबके लिए, ऐसा नहीं है कि परभनी जिले के लिए अलग है, वो सबके लिए पूरा फिक्स है। फिर इतना रेट क्या चलता है? रेट इसलिए कि यहाँ पर जो सप्लाई होता है वो डेपो थोड़ा दूर पड़ जाता है, इस वजह से थोड़ा रेट पड़ जाता है, वो भी कभी ना कभी अभी थोड़े टाइम में कभी ना कभी डेपो बन जाएगा तो वो रेट्स अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। जी राहुल कुमार, इंडियन ऑयल सेल्स ऑफिसर। ये राहुल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने सब ये मालूम की हम दर्शकों को बताने चले कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं ये जानबूझकर नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, इसके अंदर जो है जो हमारे ड्राइविंग का खर्चा आता है उसके ऊपर से बताया जा रहा है, ये जो उन्होंने बात बताई। हमारे आगे के लिए जुड़ते रहिए न्यूज़ परभनी महानगर के साथ।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.